बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आए हैं। आपने रेस्टोरेंट में जाकर खाई होगी और आप पैसे भी देते हैं, क्यों ना आज आपको कम पैसों में फिंगर फिश को फ्राई करने का तरीका बताइए जाए। बताइए जाए नहीं, बताया जाए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो फिंगर फिश ली थी, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। इसके बाद हमने जो सबसे पहले चीज़ लगानी है वो हम इस पर जो है वो लगाएंगे नमक, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून जो है वो नमक लगा देंगे। उसके बाद हमने 2 लेमन ले लेने हैं, ठीक है जी। और उसको इस तरीके से कट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है रस निचोड़ेंगे, लेमन का बीज नहीं होने चाहिए। सर ये लीमू जो है वो मैंने निचोड़ दिया। अब इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने। यहाँ पर जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है दरपर जो मिर्च होती है लाल वाली, ठीक है, उसको जो है वो हम शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा जो है हम इसमें ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा बस ऐसे 1/2 टीस्पून जो है वो शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं जी। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपने जल्दी से तैयार करना है तो फिर आपने कम से कम इसको 30 मिनट मैरिनेट करना है। और अगर आपको जल्दी नहीं है, अगले दिन अगर आप इसको फ्राई करना चाहेंगे तो इसका रिजल्ट डबल अच्छा आएगा। तो आप 7 से 8 घंटे जो इसको फ्रिज में रख दें कवर करके, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। वहाँ पर मैंने बाउल में तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया, क्योंकि मेरे पास 2 किलो जो है वो फिंगर फिश है। अपने हिसाब से 1 किलो है तो आप 1 कप जो है वो मैदा ले लें, 2 किलो है तो फिर 2-3 कप ले लें, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने मैदे को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, स्ट्रेन कर लें ताकि कोटिंग जो है वो आपकी अच्छी होती है और दूसरा लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए मैदे में। यहाँ पर जो हमने मसाले अब शामिल करने हैं उसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून दरपर मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया धनिया पाउडर, और नमक जो है 1 टेबल स्पून ले लिया। सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमने जो इसमें चीज़ शामिल करनी है वो 1 अदद अंडा ले लिया। इसको हम जो है तोड़ेंगे, बेदर्दी से तोड़ देना और फिर इस तरह इसके अंदर शामिल कर देना आपने। अच्छा जी, साथ ही यहाँ पर जो है मैं ऑयल डालूंगी, 1/2 कप जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं विस्कर की मदद से जो है अब इसको विस्क करूंगी, ठीक है। आप चाहे नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें शामिल करेंगे और इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने जो है ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ठीक इसको तैयार करना है। इस तरीके का पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। अच्छा जी, 30 मिनट हो गए इसको मैरिनेट हुए हुए बहुत अच्छी तरीके से। अब ये जो हमने कोटिंग रेडी की थी, अब हम इसके अंदर जो है इसको शामिल कर देंगे। और हाथ से जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आपने कोटिंग जो है वो जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं मिक्स करना, बस थोड़ा सा ही करेंगे। ये ले लीजिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसको जो है अब हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने रेडीमेड जो है वो ब्रेड क्रम्स ले लिए मार्केट से। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। इसके इसको हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब वहाँ पर कढ़ाई में जो है वो मैंने ऑयल रख दिया है। ये इसके ऊपर जो है वो अब हम कोटिंग करेंगे। जिस हाथ से आपने रखना है उस हाथ से जो है ना नहीं यूज़ करना, वरना ये ब्रेड क्रम्स आपके हाथ से चिपक जाएंगे और सही नहीं लगेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से ये देखें, अच्छे तरीके से आपने कोटिंग कर लेनी है। इसको इस तरीके से आपने कर लेना है ताकि ब्रेड क्रम्स जो एक्स्ट्रा हैं वो दूर हो जाए। इस तरीके से डाल लेना। अब मैं सारे पीस जो है वो डाल देती हूँ एक एक करके। अच्छा जी, हम इसको दोनों साइडों को जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो कुक करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, और ये फ़िश जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। सारी फ़िश फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए, मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया है, ठीक है। ये शेप भी फिंगर फिश की जो है वो इस्तेमाल की जाती है, मतलब ज़्यादा लोग जो है इस शेप को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है जी। आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस शेप में इसको मर्ज़ी जो है वो कट करके आप जो है वो फ्राई कर लें। तो ये बड़े ही मज़ेदार किस्म की जो है हमारी फिंगर फिश रेडी हो गई है। बाकी जो है मैंने बचा लिए,
क्योंकि अभी सिर्फ टेस्ट ही करना था। तो आप लोग कह रहे हो कि 2 किलो दिखाई है तो फिर फ्राई नहीं की, तो वो अब हमने रख दिया, वो इंशाल्लाह हम कल फ्राई करेंगे। लेकिन यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।